वोट पाने के खेल में राजस्थान में कैसे राजधर्म का उल्लंघन हो रहा है, अब ये मैं आपको बताऊंगी। राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार की एक योजना विवादों में आ गई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी धूमधाम के साथ अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना लॉन्च की थी, लेकिन ये फ्री फूड पैकेट इतनी घटिया क्वालिटी के हैं कि इनकी सप्लाई पर रोक लगाने की नौबत आ गई है। कई जिलों में फ्री फूड पैकेट सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके के फूड पैकेट में मसालों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मिर्ची हो, धनिया हो, नमक हो, जीरा हो, वो घटिया क्वालिटी का है। हम आपको घटिया क्वालिटी का वो सामान भी दिखाएंगे जो राजस्थान की जनता में बांटा जा रहा है, वो तस्वीर आपको बताएंगे, लोगों का रिएक्शन आपको सुनाएंगे, नाराज पब्लिक का गुस्सा भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जैसलमेर के कलेक्टर ऑफिस से जारी एक लेटर जिसने अशोक गहलोत की अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना की पोल खोल दी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो आप ध्यान से पढ़ें। अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना के तहत जो सामान सप्लाई किया जा रहा है वो तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि वो बहुत खराब क्वालिटी के हैं। लेटर में लिखा है कि नमक की क्वालिटी खराब है, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर की क्वालिटी भी खाने लायक नहीं है। ये चिट्ठी उस गोकुल इंडस्ट्रीज को भेजी गई है जिसने जैसलमेर में फूड पैकेट की सप्लाई की थी। आपने कलेक्टर ऑफिस से निकली हुई चिट्ठी देखी, प्रशासन को ये एक्शन उन फूड पैकेट्स की वजह से लेना पड़ा है जिसकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये जो ऑरेंज ऑरेंज सब्सटेंस आप देख रहे हैं, ये कोई ईंट का बुरादा नहीं है, ये कोई रंग नहीं है, इसे फ्री फूड पैकेट में मिर्च के नाम पर दिया जा रहा है। ये जैसलमेर में बांटे जाने वाले फूड पैकेट्स की तस्वीरें हैं। क्वालिटी इतनी खराब थी कि लोगों ने ऑन द स्पॉट खोलकर इसे जब देखा, खराब क्वालिटी की शिकायत करनी शुरू कर दी। आपको दिखाते हैं अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना के तहत मिले मिर्च का पैकेट खुला तो फिर क्या निकला। चुनावी थाली है, जबरदस्त करप्शन वाली है। जैसलमेर में शिकायत मिलने के बाद फिर सीएमओ ने एक्शन भी लिया। अब देखिए क्या था, नमक क्वालिटी घटिया, हल्दी क्वालिटी घटिया, धनिया ये भी घटिया क्वालिटी का, मिर्च तो इतनी मिलावटी। तस्वीरें आपके सामने, जैसलमेर के सीएमओ ने 22 अगस्त को जो जांच रिपोर्ट कलेक्टर ऑफिस को भेजी उसके मुताबिक ये तमाम चीजें जो इस फ्री फूड पैकेट में बांटी गई थी वो हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक सब कुछ घटिया क्वालिटी का था, खाने लायक नहीं था, इस्तेमाल के लायक नहीं था। घटिया क्वालिटी का सामान मिलने की शिकायत राजस्थान के कई जिलों से आई। ऐसा नहीं केवल जैसलमेर की घटना है, बल्कि यही शिकायत बाड़मेर में भी आई, यही शिकायत चुरू में भी आई और फिर सप्लायर पर एक्शन भी लिया गया। फिलहाल के लिए सप्लाई को रोकने का आदेश दे दिया गया और घटिया क्वालिटी के सामान की वजह से ये एक्शन लिया गया, शिकायत भेजी गई। बाड़मेर में फूड पैकेट्स की जांच की जा रही है और चुरू में भी खराब क्वालिटी के सामान की सप्लाई फिलहाल के लिए रोक दी गई है। अब आप समझिए कि ये फ्री में क्या मौत बांटी जा रही है, क्या बीमारियां बांटी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में तो यही देखने को मिल रहा है। अब आपको बाड़मेर में बांटे गए खराब क्वालिटी का सामान एक बार फिर दिखाती हूं। अभी आपने जैसलमेर की तस्वीर देखी थी, अब बाड़मेर की तस्वीर देखिए। वहां पर भी शिकायत आई, शिकायत के बाद जब लोगों ने मिर्च पाउडर का पैकेट खोला तो लोग देखकर हैरान रह गए। क्वालिटी इतनी खराब थी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ये मिर्ची का पैकेट है, अभी दनऊ में खोला गया है। अब आप कह रहे हो ना सही मिर्ची है, मिर्ची का कलर कैसा होता है सबको पता है, सबके घरों में मिर्ची यूज होती है। और ये कलर आप देखिए, पैकेट अभी खोला है हमने, ये देखिए ये मिर्ची इसी हाथ में पड़ी है। अब मिर्ची का कलर ऐसा होता है क्या? अब सच्चाई क्या है वो आप खुद लोग बता दोगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये मिर्ची का पैकेट है, अभी दनऊ में खोला गया है।
अब आप कह रहे हो ना सही मिर्ची है, मिर्ची का कलर कैसा होता है सबको पता है, सबके घरों में मिर्ची यूज होती है। और ये कलर आप देखिए, पैकेट अभी खोला है हमने, ये देखिए ये मिर्ची इसी हाथ में पड़ी है। अब मिर्ची का कलर ऐसा होता है क्या? अब सच्चाई क्या है वो आप खुद लोग बता दोगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाड़मेर में खराब क्वालिटी वाले सामान की सप्लाई का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, प्रशासन भी आनन फानन में एक्शन मोड में आ गया। जांच करने जाने के बाद कहने लगा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक के लिए सप्लाई पर रोक भी लगा दी गई है। देखने पे जो मिर्च पाउडर है उसका कलर हल्का लाल है और सूंघने और चखने पे मिर्च पाउडर प्रतीत होना लग रहा है, लेकिन विस्तृत जांच के लिए इसको हमने लैब में भेजा है। और चूंकि जो NABL एक्रेडिटेड लैब है वो अपने यहाँ जोधपुर में नहीं होके, सॉरी बाड़मेर में नहीं होके जोधपुर में है, तो जोधपुर से उस लैब की जो रिपोर्ट आ पाएगी उसके बाद में उसके हिसाब से इस पर अगर नॉर्म्स के अगर रिपोर्ट नहीं आती है या अगर कम गुणवत्ता का पाया जाता है तो जो टेंडर की शर्तें हैं उसके हिसाब से फर्म के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब तक सर वो जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक जब क्या तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमने निर्देशित कर दिया है कि अभी वो फूड पैकेट सप्लाई नहीं करेंगे और सप्लाई अभी उसकी रोक दी गई है। हमने आपको जैसलमेर की रिपोर्ट दिखाई, बाड़मेर की भी रिपोर्ट दिखाई और जयपुर में भी हाल इससे कोई जुदा नहीं है। राजस्थान की राजधानी होने के बावजूद वहां पर भी कुछ यही हाल है। सुनिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जब रिपोर्ट तैयार करने गए तो उन्हें क्या मिला। सबसे बड़ी बात ये कि ये लाभार्थियों को बांटी तो गई है लेकिन कितनी घटिया किस्म की है, जो कि लाभार्थियों का कहना है जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये तमाम जिलों में जिले कलेक्टर जो ऑर्डर निकाल रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो राशन किट में जो सामान दिया गया है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है, पूरी तरीके से ख़राब है। इसका पूरा रियलिटी चेक हम आपको को दिखाते हैं। इसमें से आप कौन कौन सा सामान आप यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या सही है क्या ख़राब है हमें आप बता सकते हैं? वैसे हमने यूज़ करके देखा था, हमने हल्दी भी यूज़ की है, मिर्ची, धनिया और नमक। नमक में हमने ना, या आप देख सकते हो इसमें से ब्लैक ब्लैक और करकर भी, यानी कि इसमें मिलावट पाई गई है इसमें, और करकर भी इस नमक में ना मिट्टी वैसे। और हल्दी में आप देख सकते हो ऐसा बिल्कुल कोई स्वाद नहीं है इस हल्दी में भी। हाँ, ये दिए गई है सरकार की तरफ से। और ये हमारी घर वाली, आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है इन दोनों में। ये देखिए हल्दी का कलर देखिए, जो कि सरकार के द्वारा बांटा गया है, ठीक है। इस हल्दी के कलर को आप देखिए, ये इनके घर की हल्दी है जो कि पर्सनल यूज में जो ली जाती है वो। अब दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा, जो कि एक सरकार की तरफ से जो राशन किट में बांटी गई है हल्दी, और एक घर में पैकेट तो ले आए लेकिन अब इसका यूज नहीं हो रहा। पैकेट आप लोग कब लेके आए और इसका प्रयोग कर क्यों नहीं रहे? तो इसमें खाने योग्य हो तो खाए, भी बना के क्या फायदा, हमारी सब्जी घर की सब्जी लाई हुई वो वेस्ट हो, क्या मतलब है इसको, इस अच्छा यूज ही ना करे, घर का मसाले बढ़िया है हमारे लिए। ये अब ये देखिए ये जो मिर्च पाउडर है, अब तो क्या ये मिर्च काम की नहीं है क्या? नहीं, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, इसमें कोई तीखा ही नहीं है, तीखापन चाहे कितनी भी डाल लो कोई वो ही नहीं है, और ना ही कोई कलर देती है स्वाद देने की सब्जी में। जैसे मिर्ची का डंकल है ना वो पीसे हुए। हाँ, हल्दी में क्या खामी? कलर ही नहीं आ रहा है कोई सब्जी में ऐसे जैसे नहीं। हाँ, राजधर्म के दो बड़े ही बुनियादी सिद्धांत हैं, एक जनता की हिफाजत करना और दूसरा सरकार जो टैक्स से पैसा जमा करती है, जो राजकोष में पैसा होता है उसे चपत ना लगने देना, ये भी सुनिश्चित करना राजधर्म कहता है। लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ ये राजधर्म के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा लगता है कि सरकार ने वोट हासिल करने के लिए गरीबों को एक तरीके से खुश करने की कोशिश की। आखिर क्यों खराब खाना, मिलावटी वाले खाने के फूड पैकेट बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं? ये पैकेट कोई मंत्री या कोई अधिकारी या कोई नेता अपनी जेब से नहीं बांट रहा है, बल्कि ये भी सरकारी खजाने से फंड किया जा रहा है, उसके जरिए इन चीजों का वितरण किया जाता है। सरकारी खजाने में हम और आप जो मेहनत करते हैं उसी गाड़ी कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जाता है। साफ है, एक तरफ तो खजाने को चपत लगाने का काम सरकार कर रही है और दूसरी तरफ जो राजधर्म का मूल सिद्धांत है, यानी कि जान की रक्षा करना, हिफाजत करना, उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि जिस तरीके का मिलावट वाला खाना
बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो किसी की सेहत को खराब कर सकता है, जान भी जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।